और बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां दर्द से तड़प रही महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला। प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को गोद में उठाकर वार्ड में पहुंचाया गया। महिला अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लगा रहता है और ताला लगा होने के चलते मरीज परेशान हैं। अस्पताल प्रशासन का ढुलमुल रवैया भी मुसीबत बना हुआ है। हमीरपुर जिला महिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे गोद में उठाकर वार्ड में ले जाया गया। और शीलू निषाद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीलू, क्या कुछ जानकारी है इस सब मामले के बारे में? आपको बता दें, मामला जिला महिला सदर अस्पताल का है मैम, जहाँ लगातार इस तरीके से हमेशा होते रहते हैं। और यहाँ पे जो अब मेन गेट ताला लगा दिया था, ना कि एम्बुलेंस भी जल्दी आ जा सकती है और ना लोगों को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। कल हालांकि ये मामला जो सामने आया, कहीं ना कहीं बहुत दर्द भरा मामला है। महिला दर्द से पीड़ित थी और उसके बाद में उसको स्टेशन नहीं मिला, जिसमें उसके परिजन जो है अपने गोद में ले जाकर उसको लेके दिया हुआ। जी, हमीरपुर जिला महिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, क्या ये कोई पहला मामला है जब इस तरीके से मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, उसको देखा नहीं गया, उसको परेशानी का सामना करना पड़ा, या इससे पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं? इस तरह के मैम हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इसमें प्रशासन कहीं ना कुछ काम ही नहीं करना चाहता, ना ज्यादातर लोग इस तरीके से परेशान रहते हैं। तो क्या वजह है कि प्रशासन जब ये दावा करता है कि तमाम व्यवस्थाएं अस्पतालों में दुरुस्त की गई हैं, वहां पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी मरीजों को, उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्या वजह बताई जा रही है कि अब तक कोई कार्रवाई ऐसी जगहों पर नहीं की जाती? इस मामले पे जब हम प्रशासन से बात करते हैं तो वो प्रशासन अपना मुंह मोड़ लेता है, हमको कोई इसके कोई जवाब ही नहीं देते हैं। जी शीलू, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।